वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। सभी को पता है ना कि कल संडे टेस्ट है आपका साइंस एसएसटी। हाँ तो जाओ, जिनको पता नहीं है, जिनको पता नहीं है, सबको पता है। ओके, जिया सिंह, अनम्यूट हो तुम? उत्कर्ष पांडे, अनम्यूट करो। क्या यस मैम। है पोर्शन? पोर्शन चैप्टर क्या है? टू पोर्शन, तो टू और चैप्टर टू और थ्री। लेसन टू एंड थ्री, लेसन टू एंड थ्री है ना? हाँ मैंने बोला है जो आप लोगों ने याद कर यस आपने वो याद कर लिया लेसन टू एंड थ्री? हाँ मैम, मैंने अच्छे से याद किया है। ओके, चलो हम लोग आज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। यस लेसन मैम, वेरी गुड, हम लोग आज लेसन टू का क्वेश्चन आंसर करेंगे। अपर्णा सिद्धि अपना म्यूट करो, आर्या चंद्रमणि, ये सारे बच्चे अपना म्यूट करेंगे। लेसन टू एंड लेसन थ्री आपको कंटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये लेसन तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए इस लेसन को किया गया। लेसन फोर तो हमारा खत्म हो गया था, लेकिन अभी आपको याद करने के लिए समय नहीं दे पाई थी ना मैं, इसलिए हम लोगों ने इसको छोड़ दिया कि भाई एक दिन का मात्र समय था। तो आप लोग क्या करेंगे, टुडे यू विल अगेन रिवाइज लेसन टू एंड थ्री। ओके, आई हैव गॉट द पीडीएफ ऑफ लेसन टू एंड थ्री इन माय मोबाइल, हम उसको खोल लेते हैं। ओके एक मिनट, मैं बुक ही लेती हूँ, मेरे पास बुक भी है शायद, देखती हूँ। हाँ कि लेसन टू और थ्री आप लोगों को याद हो जाएगा ना, बढ़िया से एग्जाम दे पाएंगे ना। मयंक करण म्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट करो। ओके सी आई हैव गॉट द बुक, चलो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव लर्न्ड। वेरी गुड, चलो मैं म्यूट कर रही हूँ, जिसको म्यूट करूंगी वो जवाब देगा। जिया सिंह, जिया सिंह आप अनम्यूटेड हैं? जिया सिंह अनम्यूटेड है ना? चलो मुझे जवाब दो। राइट द रोल ऑफ रूट्स ऑफ अ ट्री, रूट्स ऑफ अ ट्री का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ रूट ऑफ अ ट्री? जिया जवाब नहीं दे रही। नाउ दोज हु नो कैन रेज द हैंड। मयंक करण, वॉट इज द रोल ऑफ रूट ऑफ अ ट्री? रूट ओके, रूट ऑफ अ ट्री अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द डीपर पार्ट ऑफ द सॉइल एंड इट ऑल्सो होल्ड द प्लांट अपराइट, प्लांट को अपराइट भी रखती है, रखता है ना। ओके कीर्ति ने भी हाथ उठाया हुआ है, कीर्ति चलो तुम ही बताओ फिर दूसरा क्वेश्चन। मयंक अपने आप को अनम्यूट म्यूट कर लो। हाँ कीर्ति दूसरा क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्टैम्प डू द क्लाइंबर्स हैव? व्हाट क्वेश्चन। टाइप ऑफ स्टैम्प डू द क्लाइंबर्स हैव? Climbers have very weak and thin stem. They cannot stand tall or straight on their own. So they need support to climb up and grow. वेरी गुड कीर्ति, वेरी गुड। जिनको आंसर पता होगा दे विल रेज देयर हैंड। आपने आंसर दे दिया, नाउ लोअर योर हैंड्स, हैंड्स लोअर करो। ओके नेक्स्ट, रोहित नारायण सिंह 3D, रोहित नारायण सिंह आपका हाथ उठा दिखा था मैंने अभी। अर्पिता राज, अर्पिता राज अनम्यूट करो अपने आप को। यस ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ लीफ? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ लीफ? लीव हेल्प प्लांट टू मेक फूड। ओके लीव हेल्प द प्लांट टू मेक फूड। आप रे कितने बच्चों ने हैंड रेज किया, वेरी गुड, मींस ये आपको पूरे बढ़िया से याद ही है लेसन, वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाई डू सम प्लांट क्रीप ऑन द ग्राउंड? अगेन आप म्यूट करें अपने आप को। जी हाँ अर्पिता अपने आप को म्यूट करो बेटा, आवाज आ रही है। Why do some plant creep on the ground? कौन बोलेगा? Raise your hand. फिर ये हाथ कम क्यों हो गया? आराध्या सना,
बताओ व्हाई डू सम प्लांट क्रीप ऑन द ग्राउंड, एंड म्यूट करो, बोलो व्हाई डू सम प्लांट क्रीप ऑन द ग्राउंड, अध्या जल्दी बोलो, व्हाई डू सम प्लांट क्रीप ऑन द ग्राउंड, आपको नहीं आता बोलिए मुझे नहीं पता, कीर्ति मैंने आपसे पूछ लिया बेटा, आई कैन नॉट आस्क यू एनी मोर, जस्ट लेट मी आस्क समबडी एल्स ऑल्सो, प्रजस, हाँ आई सॉ प्रजस, दिया डोंट मेक फेस लाइक दिस, व्हाई डू सम प्लांट, प्रजस यस, व्हाई डू सम प्लांट क्रीप ऑन द ग्राउंड, बोलो प्रजस, Some plants creep on the ground because they cannot climb and they have very weak stems. Okay, some plants creep on the ground because they cannot climb and they have very weak stem. Okay, next, the next question is, three features of a tree. Aradhya Bhadwaj, three features of tree. Prajas, apne aapko mute karo. Three features of tree. आराध्य तुम्हारे का सेट में कुछ प्रॉब्लम है, व्हेनेवर यू स्पीक समथिंग हम आपको सुन नहीं पाते, म्यूट करें बेटा अपने आप को, अनम्यूट करें, बोलो बोलो बेटा, थ्री फीचर्स ऑफ ट्री, ट्री मेक फूड फॉर प्लांट, ओके, अरे ये बता दो विच टाइप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्री, पहले ये तो बताना पड़ेगा ना, who will say, haan to dao, very big plant are, okay, very big plants are called trees, next, teen maine features kaha hai, you have to tell me the three features of a tree, kaun bolega, haan to dao, jaldi jaldi, we cannot leave the class like this, hamara class jaldi jaldi aage badh raha hai, Kirti ne haan to dao, Shri ne haan to dao, आदवाज आजकल आप एकदम नहीं पढ़ रहे बेटा, दिस इज नॉट डन, आप कोई भी आंसर कंप्लीट नहीं देते, श्री आंसर दिस क्वेश्चन, थ्री फीचर्स ऑफ अ ट्री, यस मैम, बोलो, थ्री फीचर्स ऑफ ट्रीज आर, ट्री बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, their stem is woody and strong. Okay. And what is their stem called? Okay. What is the stem trunk. called? Very good. Yes, their trunk. stem is called trunk. Yes, they have a woody and strong trunk. They live for how many years? Many years, na? So, ये भी features हो सकते हैं. Trees live for several years. ये भी one of the feature हो सकता है ना? कि very big plants are called trees. They have a thick woody stem called trunk. They live for many years, है ना? So these can be the features. तो आपको three features बोला गया था. Okay, now I'm going to unmute. जी हाँ, तुम unmuted ही हो. लेकिन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही. तुम्हारे speaker में कुछ problem है. Because I can find you unmuted. आप unmuted ही हैं, पर आपकी आवाज नहीं आ रही. बहुत बच्चों ने हाथ उठाया. Very good. Okay. Next question is. मैं फिर से अंशुमन, अंशुमन अनम्यूट कर बच्चे, यस मैम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ लीफ, अ लीफ मेक फूड फॉर द प्लांट, ओके, सारे बच्चे हाथ को नीचे करो, आपके जो लोअर रेज योर हैंड है ना, वहीं पे लोअर योर हैंड्स भी है, हाथ को नीचे करें, ओके, नेक्स्ट उत्कर्ष पांडे, The plants that give us shade to humans and animal is called. क्या कहते हैं उसे plants को? The plants that gives humans and animals shade. वैसे plants क्या से plants हैं? भाई किसके shade को कौन हमें shade दे सकता है? हाँ 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 बोलो, हाँ ट्रीज, याद आ गया ट्रीज, अरे याद आ गया,
हाँ तो लेट से याद आने से तो नंबर नहीं मिलेगा ना आपका। ये रैपिड फायर अगर हो जाए, अगर आपको क्वेश्चन बोलो आंसर बोलना पड़े, फिर तो आप बस स्लो हो गए। किसके शेड के नीचे हमें किसके हाँ बोलो बोलो मैम, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आंसर से भी आट किया है, एक्सरसाइज नहीं। ओके कोई बात नहीं, ये तो आपको एक्सरसाइज भी थोड़ा बहुत याद कर लेना चाहिए। गरिमा सिंह, गरिमा सिंह, व्हाट टाइप ऑफ स्टेम डू द क्लाइंबर्स हैव? आराध्या सिन्हा, द क्लाइंबर्स, आराध्या सिन्हा, द क्लाइंबर्स हैव वेरी वीक एंड थिन, द क्लाइंबर्स हैव वेरी वीक एंड थिन स्टेम। ओके and they need support to climb. Aradhya, apne aap ka question yaad hai kyunki main abhi fir puchungi tumse, tumhara question yaad nahi hua hai. Okay Aradhya, yes or no bolo jaldi se. Yes ma'am. Okay Aradhya, question ka jawab do. What is the role of root of a tree? What is the role of a root of a tree? Role, root क्या करता है? The root help tree. The root help to? Mayankaran, the root help to? मयंक अनम्यूट करो, मैंने अनम्यूट करने के कर दिया है, आप अनम्यूट करें। अंजिका कुमारी अनम्यूट योरसेल्फ, अंजिका अनम्यूट करो, अंजिका हाँ बोलो। व्हाट इज द रूट और फंक्शन ऑफ अ रूट, role of a root of a tree? Support the plant to stand up. Okay, the root, the function, role of a root is to absorb water and fix the plant in the soil. Okay. Next, 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 next. Alisha Anand, unmute karo. Alisha, unmute yourself. Unmute karo, beta. Now, how is compost useful for plants and crops? Corns. Kaun batayega? Haath uthayega. Jaldi, jaldi. How is compost useful for plants and crops? Aparna Siddhi, are you sleeping? So ke class kar rahe hain? Uthke baitho. Haan bolo. How is compost useful for plants and crops? Kya ho gaya? ये लेसन तो आपका लास्ट संडे, लास्ट लास्ट संडे आया है, आपको याना याद होना चाहिए था। हाँ बोलो आशना, कहाँ गई? अभी थी, अभी आशना। शरद अनम्यूट करो अपने आप को। अनम्यूट करो बेटा, आशना अनम्यूट करो, बाकी बच्चे म्यूट करें अपने आप को। क्लास करने कौन बोल रहा है? यस मैम। आशना? यस मैम। ओके आशना टेल मी, आशना मुझे जवाब दो, हाउ इज कॉम्पोस्ट यूजफुल फॉर प्लांट्स एंड क्रॉप्स? आशना वी कैन नॉट गिव सो मच टाइम, तो बोलना पड़ेगा जल्दी जल्दी।
हाउ इज कॉम्पोस्ट यूजफुल फॉर प्लांट्स एंड क्रॉप्स. आपने याद किया है, आपको पता है ना लेसन टू एंड थ्री आ रहे हैं. अर्चना कैन यू हियर मी, मुझे आवाज, आपको मेरी आवाज आ रही है. देखिए अभी तक 16 बच्चों ने रेज किया हुआ हैंड एंड यू आर नॉट गिविंग द आंसर. अपर्णा आप अनम्यूटेड हैं, जल्दी बोलिए. संस्कृति यादव बोलो. यस मैम बोलो. कंपोस्ट आर द नेचुरल मैनर, दे हेल्प एंड प्लांट and crop to grow better. Very good. Yes, compost is useful for plants and crops because they help the plants to grow better. Very good. Unmute karo apne, mute karo apne aap ko Sanskriti. Next, why do plants shed their leaves? Kaun bolega? Who will answer? Haath uthayenge? अगर आपको रेज करने में दिक्कत है तो अपने कैमरा के बगल में हाथ उठाओ, सो दैट आई कैन सी यू. बहुत लोगों ने अपना वीडियोस ऑफ रखा है, वीडियोस ऑन रखो. आयुष राज बोलो, व्हाई डू प्लांट्स शेड देयर लीव्स? एंड म्यूट करो बेटा. प्लांट शेड देयर लीव्स बिकॉज़ Old leaves are not able to perform their functions well. Okay, plants shed their leaves because when the leaves become old and weak and they are not able to perform well, they shed them off. Very good. Yes, this is the right answer. Ashna, मैं आपको unmute फिर से कर रही हूँ. मुझे ये बताओ कि आप अभी तक याद क्यों नहीं किए हैं? आपके पास लेसन टू और थ्री लिखा हुआ है? Yes, ma'am. तो अब कब शुरू करोगे आशना याद करना? मैं कुछ दिन पहले याद करती हूँ तो बीच में जब रुक जाती हूँ तो फिर भूल जाती हूँ. तो नहीं, भूलने से तो काम नहीं चलेगा ना बेटा, आपको याद करना है. मुझे बताओ कैसे भूल जाते हैं आप? अब कल आपका एग्जाम है, अभी तक तो आपका रिविजन ही नहीं हुआ है कम्प्लीट. मैंने वेडनेसडे को लिखा था ना व्हाट्सएप में कि आपका एग्जाम्स हैं और आपको सेकंड और थर्ड लेसन ही आएगा. यस मैम. अच्छा ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है. आप मुझे व्हाट्सएप पे, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे अपना लेसन टू और थ्री की कॉपी शेयर करोगी आज क्लास के बाद? आई वांट टू सी वेदर यू हैव रिटन और नॉट. ठीक है मैम. आप पापा घर में नहीं है तो जो भी है उनको बोले, फोटो खींचेंगे और मुझे भेजेंगे. ओके चलो. राघव कुमार, राघव अनम्यूट किया तुम्हें. हाउ कैन कंपोस्ट बी मेड? पता है ना ये बड़ा क्वेश्चन है, बट ऐसे बड़े क्वेश्चन आपको याद करने हैं. यू कैन राइट द इन योर ओन लैंग्वेज आल्सो आंसर्स, नो प्रॉब्लम. हम कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, हमने लिखवाया है आपको कैसे कैसे करते हैं. चार स्टेप लिख लेंगे तो भी आंसर चलेगा. हाउ इज अ कंपोस्ट मेड और हाउ कैन कंपोस्ट बी मेड? राघव मैम, पुराना लीव्स को जो है ना मैम
एक गड्ढा बनाएंगे, फिर उसको उसके अंदर डालेंगे, फिर गीला मिट्टी को उसके ऊपर से डालेंगे, फिर तो आप आंसर ऐसे लिखेंगे पुराना मिट्टी को बंद कर देंगे। राघव राघव जस्ट अ मिनट, आप आंसर यही देंगे पुराना मिट्टी को डालेंगे गड्ढे में डालेंगे, ये आंसर देंगे आप? विल यू राइट इन हिंदी? जिया सिंह की आवाज नहीं आ रही है। जिया सिंह अभी आपकी आवाज आना शुरू हुई थी बेटा, फिर आपकी आवाज बंद हो गई, आप तो अनम्यूटेड हैं। मयंकरण म्यूट करो अपने आप को। हाउ कैन कंपोज बी मेड, सारे बच्चे जिनको याद है, अगर बहुत सारे बच्चों ने लोअर नहीं किया हैंड्स, सो रेज योर हैंड इन योर कैमरा ओनली, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव लर्न दिस आंसर। हाउ कैन कंपोज बी मेड, कैसे कंपोज बनाएंगे? अभी तक मुझे बहुत कम हाथ दिख रहे हैं, आई जस्ट वॉन्ट दिस आंसर। अर्पिता राज ने याद हैंड्स रेज किया हुआ है, ओके और किस है इधर? देवव्रत कुमार अनम्यूट करो अपने आप को, बताओ how is compose, how can compose be made? No, आपने एकदम याद नहीं किया है, very bad. Trisha Raj, how can compose be made is a very important question. It is very easy. We will dig a small pit and we will deposit or collect the fallen leaves and the kitchen waste into it. We'll cover it with moist soil and leave it for 3 to 4 months. It will get converted into compost. एक गड्ढा खोदना है, हिंदी में तो उस वक्त किसने बताया, मुझे बड़े अच्छे से बता दिया, but try to learn question answers in English. It's an English medium school and you have to learn it by English, in English only. आप अपना लैंग्वेज यूज करें बट आंसर तो सही देना पड़ेगा। गरिमा ने हाथ उठाया, लेट मी आसी वेदर शी नोज दिस आंसर। बोलो गरिमा, अनम्यूट करो, बोलो। मैम बोलिए, मैं सुन रही हूँ, बोलिए बोलिए। We should dig a pit and collect all and collect and dump all fallen leaves and kitchen waste. Then in mostly soil and leave it for 2-3 months. After 2-3 months, it will be compost. Okay. We have to cover the dig with a moist soil and after 2-3 and leave it for 2-3 months. After 2-3 months, it will get converted into compost. A very important question. मैं बार बार बोल रही हूँ, इस question को जरूर याद करो, ये हर exam में आता है। Yes. How can the compost be made? ठीक है? Okay. Unmute करें आप, अपने आपको mute करो बेटा। Okay. Next, तब जिया अपने आप को अब अनम्यूट करो, अब मुझे आप दिख गई, हाँ चलो बोलो। जिया बोलो। Yes ma'am. How is compost useful for plants and crops? Ma'am, repeat question. Repeat question. How is compost useful for plants and crops? Compost are used natural manure. They help to grow better. They help to plant and crops to grow better. Okay. Compost are useful for plants and crops because they help to grow the plants better. Yes, Jia. Apna mute karo. Shanvi Sina. Shanvi Sina. Yes, ma'am. Two.
what use were some leaves put by the saints in olden days? Olden days mein saints kya karte the old leaf ke saath? In olden days, saints used to write on some types of leaves. Very good. Yes. In olden days, saints used to write on some special type of leaf. Okay. Next. Mute कर ले बच्चे. तन्वी म्यूट करो. अध्याय से ना फिर मैंने क्वेश्चन तुमको दिया. State two use of leaves in our food. बता दो. दो uses leaf का हमारे खाने में. What are the? बोलो 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 बच्चा. बोलो. वेरी गुड. वी यूज लीफ फॉर गार्निशिंग और डेकोरेटिंग द फूड. क्या आप नाम बताएंगे? कैन यू नेम द लीफ? दो लीफ बताओ जो हम लोग गार्निशिंग के लिए यूज करते हैं. करी लीफ, मिंट. वेरी गुड. करी लीफ एंड मिंट. अभी घर में मम्मी यूज करती है. और भी कुछ लीफ बताओ. कौन सा लीफ तो अभी बहुत मात्रा में मिलता है? वेरी गुड. अब दूसरा क्या यूज है? वेरी गुड. क्लैप. अरे बच्चे हम सब ये क्लैप कर देंगे. ओके वेरी गुड आराध्या. नाउ उत्कर्ष पांडे. आराध्या ने वेरी गुड. देखो सर कितने सारे क्लैप्स मिल गए आपको. वेरी गुड उत्कर्ष पांडे. आराध्या ने दो बताया है यूज. एक बता दिया कि सम लीव्स आर यूज्ड फॉर गार्निशिंग पर्पसेस और ये भी बता दिया कि सम लीव्स लाइक बनाना यूज्ड एज अ प्लेट. मुझे एक और बताओ कि कौन से लीव को हम एज अ फूड भी यूज करते हैं एज अ वेजिटेबल? उत्कर्ष. एज अ वेजिटेबल. तीन यूज बना. एक कौन मैं अनसिने ने दो यूज बताए हैं. हाँ ना तो मैं तो तीसरा मुझे बताना है क्या? हाँ जी तीसरा आपको बताना है. जल्दी बता दो. टाइम खत्म हो रहा बेटा. तीसरा यूज तो होता ही नहीं है. अरे कैसे नहीं होता? आपके कुछ ऐसे लीव्स हैं जिसको हम वेजिटेबल्स की तरह खाते हैं. क्यों आपने नहीं पढ़ा है? हम स्पिनच को खाते हैं एज अ वेजिटेबल. हम कैबेज को. ओके नाउ स्टूडेंट्स वी हैव गॉट ओनली 5 मिनट्स टाइम. हमारे पास सिर्फ 5 मिनट 31 सेकंड्स है. इस बीच में हम आपको फिर से एक बार रिमाइंड दे दें कि कल का टेस्ट सारे बच्चे बहुत अच्छा से देंगे. लेसन टू और लेसन थ्री पक्का याद करेंगे. सारे क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करेंगे जो आपके डी और ई सेक्शन के हैं. कोशिश ये करेंगे कि जो लास्ट एग्जाम में आए हैं उसको हल्का रिवाइज कर ले. मे बी वो आ जाए मे नॉट बी वो आए. लेकिन जितने जो क्वेश्चन नहीं आए हैं उसको पक्का याद करो. हाउ इज कम्पोज मेड? How is compost useful? What type of leaves are used? What is the use of leaf? ये सारे questions जो हैं आप revise करें. ठीक है ना? चलो मयंक से कर्ण कुछ पूछना चाहता है. अब मैं आपको आप अपना हाथ लोअर करें. आप मुझे बताएं जिनको मुझसे कुछ पूछना है. They can ask me the question. आशना शरद you want to ask me something? तो मुझे पूछे. आपको अभी unmute कर रही हूँ for that only. If somebody wants to ask me something, they can ask me. आप हाथ उठाएं मैं आपको अनम्यूट करूंगी. अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो हम आपको अनम्यूट कर देते हैं. आप मुझसे पूछिए. उत्कर्ष नींद आ रही बेटा. पूछना है अशना म्यूट करो अगर नहीं कुछ पूछना है तो. किसी को पूछना हो तो मुझे अपने आप को ये करो हैंड रेज करो. आई विल आस्क. अनिमेश ने हैंड रेज किया. बेटा कुछ क्या बात है बताओ. अनिमेश अनम्यूट योरसेल्फ. ओके इट मींस नोबडी वांट्स टू आस्क समथिंग एनीवेज.